इस प्रकार का स्टैचू जो कि देखने 207 फिट 16 लाख रुपए की बोट है। इस एक बोट की कीमत 16 लाख रुपए। आपको पता है लिटरली ये आवाज कहाँ चाहिए भाई? तभी भाई इसे फिश पॉइंट कहते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो पीछे भाई सीन चेक करो, कुछ अलग ही सीन नज़ारा है और उससे बड़ा नज़ारा भाई आपके सामने है। तो भाई आज हम लोग चेक करो कहाँ आ गए। आज हम लोग आ गए हैं भाई जनेश्वर मिश्रा पार्क में, जो कि बहुत पॉपुलर है। जैसे आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह हमारा टिकट घर बंद होता है जहाँ से लोग टिकट लेंगे, और वैसे 10 रुपए की पड़ती है, पर सुबह वो भी फ्री हो जाती है क्योंकि भाई जो टिकट देता है वो लगता है सुबह नहीं उठ पाता है। तो इसीलिए तो चलो तो अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं जनेश्वर मिश्रा पार्क के। तो भाई अंदर घुसते चेक करो कि भाई हमारे स्वागत में एक टैंकर खड़ा होता है, बल्कि एक नहीं दो टैंकर हैं। एक भाई उस साइड खड़ा हुआ है, आपको शायद दिख रहा हो, और भाई और उसी के बीच में हमारा बढ़िया सा ब्यूटीफुल सा फाउंटेन है। तो भाई जनेश्वर पार्क में घूमने के लिए भी कई ऑप्शन हैं, जैसा आप चाहें। अगर आप साइकिल चाहें तो भाई साइकिल से घूम सकते हैं, और भाई जो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते उनके लिए भाई गोल्फ कोर्ट है, और भाई जो प्रो खिलाड़ी यानी जो रोज़ आते हैं जो सिर्फ रनिंग के पर्पज़ से आते हैं वो भाई पैदल चल सकते हैं। सो गाइज, ये रहा अपना जनेश्वर मिश्रा जी का उम्दा सा स्टैचू, क्योंकि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, और इसके मतलब कहने के लिए कुछ भी मतलब शब्द कम बढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया बनाया स्टैचू। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि समाजवादी पार्टी के एक नेता थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पिलर थे समाजवादी पार्टी के। तो भाई उनकी याद में श्री मुलायम यादव जी ने 2012 में इसका काम शुरू करवाया था, और 2014 में ये पूरा बन के रेडी हो चुका था। तो भाई ये देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बना हुआ स्टैचू। और जिन्हें नहीं पता मैं उनको ये बता दूं कि ये पूरा पार्क 376 एकर्स की एरिया में फैला हुआ है, और इसको बनाने की लागत कुल 168 करोड़ रुपये आई है, समझ आए। और आपको मैं वाइड एंगल में करके दिखाता हूँ, ऐसे आपको पूरा एरिया व्यू नहीं समझ आ रहा होगा। ये देख सकते भाई अपना वाइड कैमरे में भाई कितना गजब लग रहा है। ये देखिए भाई थोड़ा, ये देखिए कितना गजब। सो गाइस, स्टैचू देखने के बाद हमें ये एक जेट देखने को मिल जाता है। ये भी ये एक जेट पॉइंट है, उसके सामने ये जेट पॉइंट है। तो भाई ये जेट जिन्हें लग रहा है कि नकली, तो उन्हें बता दो कि ये नकली नहीं है, ये बिल्कुल असली है। आप सोचोगे कि यहाँ पे क्या लैंड कराया गया है? नहीं भाई, ये इसके पार्ट्स यहाँ ला के असम्बल किए गए हुए हैं। और भाई अभी वैसे यहाँ पे इससे पानी ठपक रहा है, दिख नहीं रहा आपको फ़िलहाल तो, पर हाँ बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बड़ा है। और इस जेट का नाम है MiG-21। और भाई जिन्हें पढ़ना है वो पॉज करके पढ़ सकते हैं क्या लिखा है उस पर इसमें। तो भाई अब अपनी आगे और चलते हैं। तो भाई हमारे साथ एक मसला क्या है बता, हमारे साथ मसला, हम लोग साइकिल से आए हुए हैं, और भाई साइकिल को भाई देखना बहुत ज़रूरी है, उसके एरिया में मतलब घूमना जरूरी, वरना पीछे से कोई उठा ले जाए तो भाई पता नहीं चलेगा। तो भाई अब आगे चलते हैं, आपको आगे पॉइंट दिखाता हूँ। बहुत ही मस्त पार्क है, बहुत ही बड़ा पार्क बना हुआ है। तो आगे चलते हैं। तो ये गाइस, ये कुछ अपनी साइकिल खड़ी हुई है, इसको उठाते हैं और आगे का आपको चेक कराते हैं। सो गाइस, अभी मैं आपको ले जा रहा हूँ फिश पॉइंट, जो कि स्टैचू के ठीक पीछे पड़ता है, पर हम लोग साइकिल से तो हम लोग को पूरा घूम के जाना पड़ेगा। तो भाई अब हम लोग को थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा यहाँ से, अगर स्टैचू के पीछे चलते तो एकदम से आ जाता। सो गाइस, ये रहा स्टैचू के ठीक पीछे हम लोग आ चुके हैं, और भाई यहाँ पे ये ब्रिज जो बना बड़ा ब्यूटीफुल सा, यहीं पर भाई ये फ़िश पॉइंट है। इसकी इस भाई यहाँ पर इतनी सारी मछलियाँ आती हैं, तभी भाई इसे फ़िश पॉइंट कहते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, इधर से पूरा पार्क देखने को मिल जाता है। सब यहाँ पे दाना डाल रहे हैं मछलियों को। गाइस, ये रहा सामने हमारा बटरफ्लाई गार्डन। अभी भाई ये बना नहीं है भाई, लगता है जब सरकार आएगी समाजवादी पार्टी तब ये बन के तैयार होगा, जैसा आप देख सकते हैं। और भाई अब हम लोग की नेक्स्ट लोकेशन है नेशनल फ्लैग देखना, और भाई यहाँ पे इसी पार्क के अंदर हम लोग को टेम्पल भी देखने को मिल जाता है। ये देख सकते हैं आप गाइस, चेक करो भाई कितना बड़ा फ्लैग है, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत बड़ा फ्लैग है भाई। अगर मैं यहाँ जाऊँ, वहाँ जाके खड़ा हो जाऊँ तो सच होता चींटी बराबर लगूँगा। और भाई यहाँ पर अपने कुछ बर्ड्स हैं, जो कि भाई इसकी खूबसूरती को और इन्हेंस कर रहा है भाई, बहुत ही भाई खूबसूरत बनाया गया है, बहुत बढ़िया भाई। फ्लैग की अब लंबाई इस कैमरे के अंदाजे से नहीं लगा पा रहे होंगे, क्योंकि भाई फ्लैग कैमरा कुछ छोटा दिखा रहा है, पर भाई हकीकत में भाई फ्लैग बहुत ही ह्यूज है।
और भाई यहाँ पे इसकी कुछ जानकारी लिखी है। तो भाई ये फ्लैग 207 फिट ऊंचा फ्लैग है भाई, ये भी अच्छी बात है। और भाई जिन्हें पढ़ना है तो भाई वो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। मतलब भाई जो जो यहाँ पे यूनिक चीज़ें हैं उसके बारे में यहाँ पर उसकी डिटेल्स लिख दी गई है, और भाई देख सकते हो उसकी भाई डिटेल कैसे लिखी गई, बिल्कुल पत्थर में भाई लिखी गई है। वाह यार क्या क्रिएटिविटी भाई, पूरे पार्क की मतलब मस्त है भाई। तो गाइस चेक करो भाई कितना बढ़िया, भाई कितना बढ़िया बोटिंग एरिया है भाई, अलग ही भाई फील आता है यहाँ पर बोटिंग। भाई ये पर्टिकुलर, भाई ये पर्टिकुलर एरिया बोटिंग करने के लिए बनाया गया। वैसे और भी वहाँ पे झील बनी है पर भाई सिर्फ ये एरिया पर्टिकुलर बोटिंग करने के लिए बनाया गया। भाई आप सामने देख रहे होंगे, जूम करके आपको दिखा, तो भाई आप ये वाली जो बोट्स देख रहे हैं भाई कोई आम बोट्स नहीं है भाई, ये भाई कोई आम बोट्स नहीं है, ये भाई एक इटालियन बोट है भाई। और भाई आप इसकी कीमत सुन के हैरान हो जाएंगे। तो भाई मैं बता दूं कि भाई ये बोट 16 लाख रुपए की बोट है। भाई आप सोचेंगे इतनी महंगी बोट लाने की क्या ज़रूरत है, तो भाई जिन्हें रॉयल्टी फील करना है भाई हमसे कम कोई नहीं, हम है रॉयल, तो भाई वो इस बोट का यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भाई इसकी भाई उसी हिसाब से फीस भी ज़्यादा ही होगी, और भाई अपनी नॉर्मल बोट तो भाई फिर ये लगी हुई है जिन्हें कम दाम में असली मज़े लेने हैं। और भाई ये बोट ज़्यादातर लगता है जो फिल्म बनती है शूटिंग के लिए उसमें भी यूज़ होती होगी, ये भाई काफ़ी मस्त चीज़ है भाई ये। गाइस चेक करो भाई ये जो भाई पेड़ है ये कोई आम पेड़ नहीं है भाई, इस पेड़ का नाम है पाम ट्री। और भाई लिटरली ये पेड़ माउंटेन्स पे मिलते हैं, यहाँ पे भाई लोकल मतलब ऐसे एरिया में नहीं मिलते हैं। भाई चेक करो भाई, तो गाइस आपको एक मस्त चीज़ चेक कराता हूँ, आपको एक आवाज़ आ रही होगी ओम करके, आपको पता है लिटरली ये आवाज़ कहाँ से आ रही है भाई, लिटरली ये आवाज़ इससे निकल रही है, देख रहा भाई इससे लिटरली आवाज़ निकल रही है ओम करके, ये देखते हैं भाई ये सुबह जहाँ तक बचता है क्योंकि भाई लोग यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं तो भाई उसके लिए काफ़ी सही है ये। तो भाई अपन लोग ने भाई इतनी साइकिल चला ली है यहाँ पर कि भाई थक से गए हैं, तो भाई थोड़ा पैदल ही हम लोग प्रेफर करेंगे चलने के लिए। तो भाई अब हम लोग आगे चलते हैं जिम एरिया, जिम एरिया किड्स प्ले एरिया, बहुत चीज़ें हैं वैसे मैंने मेन चीज़ आपको अभी तक तो दिखा दी है, अब आगे चलते हैं। ये अपना प्ले एरिया और एक इधर भी है, सही है भाई काफ़ी बड़ा सही है। तो गाइस यहाँ पे आप झूले देख सकते हैं, जो झूले लगे हैं वो यहाँ ऐसे आम झूले नहीं है, ये भाई झूले स्पेशली बाहर से लाए गए हुए हैं, अखिलेश यादव भाई यहाँ पर स्पेशली झूले बाहर से लाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कि भाई आपको यहीं देखने को मिलेगा, जल्दी कहीं देखने को मिलेगा भी नहीं। भाई कितना यूनिक है भाई ये देखो भाई कितना यूनिक झूला है, डिज़ाइन फॉर चिल्ड्रेन 5 to 12। तो भाई यहाँ मुझे 5 to 12 के बच्चे ऊपर तक के बच्चे दिख रहे हैं। तो गाइज ये है आपका जिम एरिया, देख सकते हैं कितने सारे इक्विपमेंट्स लगे हैं जिम के लिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है वेलकम टू कॉम्पाउंड फिटनेस जोन एज 50+। तो भाई देख सकते हैं भाई सब जिम कर रहे हैं और योगा भी कर रहे हैं भाई लोग, यहाँ पर देख सकते हैं। हम लोग ने जनेश्वर पार्क पूरा अच्छे से घूम लिया है, आई होप आपको पार्क अच्छा लगा होगा और ब्लॉग भी पसंद आया होगा। तो भाई अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, प्यार जरूर दिखाइएगा। तो भाई मैं सोच रहा हूँ बस आज इतने रखता हूँ क्योंकि भाई टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, और भाई हम लोग ने सारी चीज़ कवर कर ली जो हम लोग को कवर करना था, हम लोग ने अपने इस धंधों से पूरा कवर कर लिया है। तो भाई अब इसको अलविदा कहते हैं, तो भाई अब हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नए जगह के साथ, तो स्टे सेफ और स्टे कनेक्टेड टू अवर ब्लॉग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Oh, oh, oh.